पूरी यहाँ पे टेस्ट तो मारूं और लो मम्मा आई वाची माय फेवरेट डांस आल्सो इन थिएटर या या आई नो दैट यू नो डांस बच्चे बच्चे बहुत खुश थे इसे ना डांस बहुत पसंद है कैसे हैं बड़ी फ्रेंड डांसर बने का पर बेटा मम्मी की बात मान लीजिए और चाहे अभी पढ़ लीजिए अरे ओए मम्मा बाद में पढ़ूंगा कह दिया ना सुनता ही नहीं हो बहुत जिद्दी हो क्या करूं पूरे दिन टीवी डांस रील गाना बिल्लू शीशा वन का डोर और नो मामा डोंट डिस्टर्ब यू सी हु इज इन ओहो तो बस सुनते ही नहीं हो ए मुझसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये अंदर रहिए नहीं जी कैसा आना हुआ ये हम आपके पड़ोसी में आया हूँ सोचा कि मैं आपसे मुलाकात कर लूँ किसी तरह एक दूसरे से वाकिफ हो जाए मेरे नाम आना और ये मेरा बेटा फरहान और उसको वाली मुझे मेरा नाम अलीना है मेरी बहन सानिया और मेरा बेटा बिलाल है उसको प्यार से बिल्लो बुलाती हूँ मैं तो ठीक हूँ तुम कैसी हो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड फाइन बिल्लू तुम्हारा कौन आया है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अरे रेड है ओह कमान यार हुसैन हॉट नट दी है क्या बताओ इस नबी ने मुझे बहुत बीमार थी किसी ने डॉक्टर से इलाज करवाया बहुत पैसा खर्च किया थोड़ा आराम मिला अल्लाह आपको सोचा अल्लाह में अल्लाह आप अल्लाह जी को गुड उन्हें तो देख लेंगे कोई समझे माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा बिल्लू को तो सबसे कोई मतलब नहीं अरे बहन आपको बिल्लू का क्या नाम है बेचारी बिलाल तो खुद इतना प्यारा नाम है जी आंटी बिलाल तो प्यारा नाम है हजरती बिलाल चिल्ला हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से ये फतवा का की दिया पर चल कर हासिल देने का सर माथा फतवा का और सर तुम फतवा का पता नहीं नहीं एफबीआई के बारे में क्या आता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही एफबीआई क्या क्या एफबीआई का मतलब खास डरावना इंसान वो आंटी एफबीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इज और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अरे हेलो हाय हैप्पी बर्थडे एस एल आई सो सेली ओके बाय मम्मी आज मेरा फ्रेंड के बर्थडे है उसने मुझे बर्थडे में बुलाया है और मुझे बर्थडे में जाना है नहीं तुझे आज कोई बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है जब जब मुझे जाना है तो राम किसी के बर्थडे में नहीं जाते हैं ना फरहान नहीं आंटी मैं तो अपने बर्थडे में कोई सेलिब्रेट नहीं करता अरे क्या तुम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते केक नहीं करते गिफ्ट भी नहीं करते पार्टी भी नहीं करते क्यों नहीं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बर्थडे भी किसी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह ताला की कुरान मजीद में फरमाया है सूरह अजाब से नंबर 23 और नंबर 21 लगा देता है लकुम फी रसूलिल्लाह उसतन हसना बेशक अल्लाह की रसूल का मेरा नमूना है जैसे कि पूरे जिंदगी उसी तरह गुजारनी है उसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने गुजारी है बर्थडे में कितना मजा आते हैं बहुत सारे मस्ती करते हैं और गाना भी गाते हैं
मुझे मस्ती से याद है, मेरा बेटा बिलाल अपनी स्कूल में एनुअल फंक्शन में गाना गया था। बेटा आंटी को गाना सुनाओ। श्योर मम्मा। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लब जाम में बयान ना हो पाए। और फरहान तुम्हारी स्कूल में क्या हुआ था? फरहान ने तो सबसे संस्करण किया था, सुना तो बेटा। सर मम्मा आई प्रेजेंट दियर स्पीच दैट आई इन माय सर स्पीच। It is boring. नहीं, और हमारे स्कूल में और भी एक्टिविटी होती है जो लेके अल्लाह और उसके करीब ले जाएगी। माशाल्लाह फरहान, तुम कहाँ पढ़ते हो? बड़े होकर क्या बनोगे? I am standing in forward. और मेरा बेटा बड़े बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और खूब नया और पैसा कमाएगा। और नो मम्मा, मैं बड़े होकर बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, मैं डिजाइनर की तरह बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली क्या सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए बच्चों को एजुकेशन देते हैं? हमें तो ये देखना है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, तो इंसान कैसे बनेगा? सिटी के सरकारी स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा जब वो एजुकेशन ही ना जानता हो, उसे सही और गलत की तमीज ना हो, अपने माँ बाप की इज्जत ना करता हो, उनकी कहना ना मानता हो, उनकी हर बात पर जिद करता हो, उन्हें ये भी ना पता हो बल्कि वो दूसरों की माफी मांगता हो, उन्हें ये भी ना पता हो इस्लाम क्या होता है, वो खुद क्या है। हम ये समझना चाहें कि हम अपने बच्चों को सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ना दे बल्कि ऐसे एजुकेशन दे जो मॉडर्न टाइम से भी कम्फर्टेबल हो और हमारे बच्चे की आखिरत को भी सवार है। ऐसा मुसलमान हमारे लिए फाइनल You are at the center and the sense of our bachche deen se dur hoti hi ja rahi hai. Main to aise bachche se bhi mila hu, nauzu billah. Jo Rasool sallallahu alaihi wasallam ka khuda ka pyara beta hota hai. Idhar se lutan bhi smooth se par kar hamare bachche ki nisbat aati hi ja rahi hai. क्या हम अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ा कर वर्ल्ड एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए? ऐसे नहीं है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम कर रिकवर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तालिबुल इल्म फरीज़ अला कुल मुस्लिम, इल्म हासिल करना मुसलमान पर फर्ज है। यह कतई नहीं कह गया है कि हम मॉडर्न के साथ बल्कि जरूरत इस बात की हमारे अपने बच्चों को दीन तालीम हासिल करने की तरबियत बताती है। अब तो हमारे शहर में कुछ ऐसे स्कूल खुल गए हैं जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान व सुन्नत के साथ साथ तालीम दी जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इसी स्कूल में डाल दें, इससे हमारी परेशानी आसानी से हल हो सकती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ अभी निकाली ना चलकर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। लेकिन एक बात तो है नहीं, सच स्कूल में चल घंटा रहता है। अगर उसका दीनी तालीम में प्रभाव किया जाए तो उसका सही तरबियत हो पाना मुश्किल है। इसीलिए सब स्कूल वाले ने मिल रहा हूँ लोगों से कि उसको पहचान समझे और अपनी जिंदगी में शामिल करे, ताकि वे उन खुराफात से मुक्त रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कुरान मजीद में फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तो वो खेल और तमाशा है, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। सुन रिया बहन, आपने मेरी आँख ही खोली। अल्लाह आपको रजाई का फरमाए और हर सभी वालिदैन को तौफीक दे कि हम अपने बच्चे को हमारी एजुकेशन ना बल्कि ऐसे एजुकेशन दे हमारे एजुकेशन के साथ साथ मदरसा में पढ़ाकर तालीम इस्लाम बनाए। आमीन।